अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ELU स्टडी चैनल। आज जो हम मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है जी फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट। और मोस्टली लोग रफली इसके बारे में, काफ़ी लोगों को आइडिया है कि फेमिनिज्म है क्या या फेमिनिज्म मूवमेंट है क्या। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं इसका। फेमिनिज्म डिनाइज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, दे प्रमोट पार्टिसिपेशन बाय वुमेन इन मेल एक्टिविटीज, मोस्ट प्रोमिनेंट मॉडर्न फेमिनिस्ट सपोर्ट अबॉर्शन एज वेल। इसमें यह है कि वुमेन्स की या औरतों की जो राइटिंग्स हैं और उनको प्रमोट करना और मर्दों के मुकाबले में उन्हें फ्रंट पे लेके आना, ये जितनी भी चीज़ें इसमें होंगी ये सारी फेमिनिज्म मूवमेंट के मूवमेंट में आएंगी। और लास्ट में आपने पढ़ सा कि सबसे लास्ट में जो है ना अबॉर्शन तक बात पहुँच गई है। इट्स एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ वुमन राइट्स एंड इंटरेस्ट। तो बेसिक इनका फोकस जो है वुमेंस को राइट्स और इनके इंटरेस्ट जो है वो दिलवाना है। इस मूवमेंट को जहन नशीन करने के लिए कुछ मेजर की पॉइंट्स हैं जो अगर हम माइंड में रखेंगे तो हमें उसको याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इनकी राइटिंग्स में, इनके स्लोगन्स में वुमेंस को एम्पावर करने की बात होती थी। मैन एंड वुमेन अनइक्वल रिलेशंस, इनका कहना था कि शुरू से आज तक जो है मैन एंड वुमेंस को अनइक्वल नज़र से या अनइक्वल रिलेशंस के तौर पे देखा जा रहा है। ऑल सोसाइटीज पेट्रोचर, मतलब मेल डोमिनेंट, मतलब जितनी भी सोसाइटीज आज तक गुजरी हैं उन सब में मेल को जो वो डोमिनेट किया गया है। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें औरत को मेल पे डोमिनेट किया गया हो। सोशल इंस्टीट्यूट्स मेल डोमिनेंस, जितनी भी सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं आज या पुरानी गुजरने वाली सोसाइटी में, सब में मेल जो थे वो हेड होते थे, मेल जो थे वो डोमिनेंस होते थे, औरतों के वहाँ पे कोई हकूक नहीं होते थे। पॉलिटिकल, फैमिली, रिलीजन मेल डोमिनेट, पॉलिटिकल में या पॉलिटिक्स में आप देख सकते हैं कि मेल जो है हमेशा डोमिनेट होते हैं। फैमिली, हमारी फैमिलीज में मेल डोमिनेट होते हैं। रिलीजन जो है उसमें डोमिनेट होते हैं। तो इसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये काम किया। स्टीरियोटिपिकल इमेजेस रिगार्डिंग वुमेन, इन्होंने जो स्टीरियोटिपिकल जो एक पुरानी जो इमेजेस बनी हुई थी औरतों के बारे में उसको ब्रेक डाउन किया कि औरत जो है वो इनके अलावा भी कुछ काम कर सकती है, वो मर्द के शाना बशाना काम कर सकती है। तो इन कुछ टॉपिक्स पे ऊपर, की पॉइंट्स के ऊपर फेमिनिज्म मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया। और बेसिक इन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू एक चीज़ की प्रोड्यूस की। फेमिनिज्म की जितनी भी राइटिंग्स हैं, जितनी भी आप जो है लिटरेचर का वर्क अगर आप उसको देखेंगे तो इसमें यही मेन की पॉइंट्स जो हैं वो बार बार घूम घूम के आते हैं कि किसी न किसी तरह औरत को मर्द के बराबर हकूक दिए जाएँ, मर्द के पावर एम्पावर किया जाए और मर्द के बराबर उसको सोसाइटी में एक मुकाम दिया जाए। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे और देखेंगे कि हर वेव के अंदर किस तरह से इन्होंने अपना वर्क जो है वो स्टार्ट किया। शुक्रिया।